तो ये इधर आज मंगल के रोज इधर उडरवाल चौक के करीब एक ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, जिसमें एक बेगुनाह रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया है। तो ये बेगुनाह रिक्शा ड्राइवर जो है, ये एक सवारी बिठाकर मामूल के मुताबिक ये जा रहा था कि नामालूम अपराधियों ने फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। तो ये रिक्शा ड्राइवर इधर कस्बा डब रोड मल्ला पीर साबा टाउन का रहायशी बताया जाता है, और ये फैसल इसका नाम है और असलम परवेज का ये साहबजादा है। तो बहरहाल ये बताया जाता है कि असल टारगेट हमलावरों का वो मुसाफिर था जो रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठा था। तो बहरहाल उसको भी गोली लगी है बाजू पे, मगर वो सूरत हाल देखते हुए वो मौके पर से जख्मी हालत में गायब हो गया है। तो बहरहाल ये कत्ल और इकदाम कत्ल की ये अफसोसनाक वारदात इधर उड़रवाल में आज मंगल के रोज हुई है। तो वाकई की इतला मिलते ही DPO कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए, और उन्होंने तमाम पूरे इलाके को जो है उसको कार्डन ऑफ करने का हुक्म दिया, और मुतलका पुलिस हुकाम को थाना सदर को हदायत की है कि वो फौरी तौर पर हमलावरों का सुराग लगाकर उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। तो ये हम आपको मुलाजर दिखा रहे हैं, ये उडरवाल चौक में ये कत्ल की एक खौफनाक और बेमाना वारदात इधर हुई है, जिसमें एक बेगुनाह रिक्शा ड्राइवर, ये 20 साल फैसल इसका नाम बताया जाता है, और ये कस्बा डब रोड पीर साबा टाउन का रहायशी है।